हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने भी कल आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था, जो पहले प्रेस नोटिस आया हुआ था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि आपके एस्टेट के जो फॉर्म है वो आज से स्टार्ट हो जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कल दे दी थी। लेकिन फ्रेंड्स, काफी लोगों के डाउट आते हैं, जो पर्सनली भी मैसेज पे पूछते हैं। कुछ जो डाउट होते हैं वो बाहर के स्टेट के भी होते हैं, जिनको यही नहीं पता कि एस्टेट होता क्या है। काफी तो इसको जो सी ग्रुप की जो वैकेंसीज है उनके साथ भी रिलेट कर देते हैं। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए, जो एस्टेट जो होता है, अगर आप लोगों को, आप हरियाणा के हो या फिर आप अदर स्टेट के हो, सभी इसके अंदर फिल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हरियाणा वाले ही फिल कर सकते हैं। जो हरियाणा में के अंदर अगर आप लोगों को टीचर बनना है, तो उसके लिए आपको एचटेट को क्वालिफाई करना जरूरी हो जाता है। बीच में ऐसी खबर आई थी कि सीटेट को एचटेट के इक्वल कर दिया गया है, लेकिन जो भी वैकेंसीज हुई है, जो अभी प्रोसेस चल रहा है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया है। बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर हरियाणा में टीचर बनना है तो एचटेट आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ही होता है। और इसको क्वालिफाई करने के बाद, अब काफी लोग पूछते हैं कि इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। इसके बाद आपका एचएसएससी क्या लेती है, आपकी स्क्रीनिंग लेती है, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो पीआरटी के लिए और टीजीटी के लिए, उसके अंदर आपका स्क्रीनिंग बेस पे सिलेक्शन हो जाता है। जबकि पीजीटी लेवल पर भी आपको सेंटर में एचटेट क्वालिफाई नहीं करना, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको क्वालिफाई नहीं करना पड़ता है। लेकिन हरियाणा के अंदर आपको पीजीटी लेवल पर भी एचटेट को क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो ये प्रोसेस होता है हरियाणा में टीचर बनने का। अब फ्रेंड्स, जो बाहर के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बात, इन जो हमारा बुलेटिन दिया हुआ है, इस पे जाने से पहले एक चीज और क्लियर कर देती हूँ। काफी कैंडिडेट्स पूछते हैं कि हरियाणा में हर साल वैकेंसी आती है कि भैया बस स्टेट क्लियर कर दिया तो वैकेंसी आ जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हरियाणा के अंदर कुछ भी डिसाइड नहीं है कि हर साल वैकेंसी आएगी। कभी कभी दो दो तीन तीन साल में, और कभी कभी सात सात आठ आठ साल में भी वैकेंसीज आती है। खासकर जो इलेक्शन के ईयर होते हैं वहां पे तो सिर्फ देखने को मिल ही जाती है वैकेंसी, जैसे कि अभी 2023 में हुई है, और 2024 में भी वैकेंसीज आने के आप लोगों के 90% चांसेस आप लोग मान करके चलिएगा, जरूर आ सकती हैं। तो अगर आप लोगों का एचटेट क्लियर होगा तो ही आप इसके अंदर बैठ सकते हो, अदरवाइज आप इसके अंदर नहीं बैठ सकते हो। अब आगे बढ़ने से पहले जो पुराने कैंडिडेट हैं, जो मुझसे पहले जुड़े हुए हैं, उनको मैं कुछ डाउट क्लियर कर देती हूँ। देखिए, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सिलेबस में जो माइनर चेंजेज हुए हैं वो ऐसे कुछ चेंजेस नहीं है कि बिल्कुल आपको हल्ला मचा देना है। बिल्कुल आपका सिलेबस है वो आसान और हो गया है आप लोगों के लिए। आपको चीजें कम और पढ़नी पड़ेगी। जो हमने पढ़ा है अब तक, मैंने आप लोगों को हिंदी कंप्लीट करवा दी है, सीडीपी ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दी है, जो कि एस्टेट लेवल की आती थी, लेकिन उसमें भी कुछ चेंजेज हुए हैं। तो वो सारे चेंजेस आप लोगों को यूट्यूब के अंदर फ्री क्लासेस मिलेगी। चाहे मुझे दिन की तीन क्लासेस आप लोगों की लेनी पड़े, मैं आप लोगों के लिए क्लासेस जरूर लूंगी। ये जो क्लासेस हैं, ये मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड डाल दूं या फिर लाइव डालू, ये आप लोग बता दीजिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जो टाइमिंग है वो देखिए हम रख लेते हैं, एक तो मॉर्निंग में 11 बजे का रख लेते हैं, फिर अगर आप लोग 3 बजे के आसपास बताओ, और फिर एक नाइट को रख लेते हैं 9 बजे। तो तीन क्लासेस मुझे आप लोगों की लेनी पड़ेगी, तभी मैं आप लोगों का सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कवर कर पाऊंगी। आप लोगों को किसी भी पेड कोर्स में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को मुझ पे फेथ है तो आप लोग मेरे साथ जा सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको सही गाइड करूंगी। बाकी आप मेरे प्रीवियस वीडियो से इतना तो आप लोग मेरे बारे में जानते ही हैं, कि मैं आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करती हूँ। अब मैं बात करती हूँ नोट्स की। तो जिन लोगों ने नोट्स ले लिए हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है कि भी मैंने उनमें सारा मटेरियल नहीं डाला है या सिलेबस में चेंज हो गया है। तो बिल्कुल, अब मैं कोई मशीन नहीं हूँ, आप लोग भी समझ सकते हो, चीजों को अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जिन लोगों ने भी नोट्स लिए हैं, बिल्कुल मिनिमम आपके अमाउंट रखी गई है नोट्स की, 400-500 रुपए में क्या आता है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल मिनिमम अमाउंट रखी गई है, उस अमाउंट के अंदर मैं बिल्कुल आपको ऑथेंटिक और बिल्कुल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें कवर करके दे रही हूँ। जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उनको पता भी है कि मैं किस प्रकार से आपको सिलेबस ऑर्गेनाइज करके दे रही हूँ। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। क्लासेज आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेंगी, साथ में आपको पेड नोट्स मिल जाएंगे। पेड नोट्स के लिए मैंने जो आपको नंबर प्रोवाइड कर रखा है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा जैसे भी टाइम होगा मैं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करूंगी। तो ये तो बातें हो गई क्लासेज वगैरह की। अब बात कर लेते हैं, आपको मैंने बता दिया भाई एचटेट करने का क्या फायदा है। अगर आपको हरियाणा में टीचर बनना है तो कुछ भी हो जाए आपको एचटेट क्रैक जरूर करना होता है। अब हम बात करते हैं भाई फीस वगैरह की, बात कर लेते हैं।
तो भाई देखिए, जो आपकी जनरल कैटेगरी है, ठीक है, जनरल के जनरल हो गई, आपकी बीसी ओबीसी हो गई, यानी एससी और पीएच को छोड़ दें, तो आपकी जो पीआरटी लेवल है उसके लिए 1,000 रुपए फीस है। जो आप दोनों लेवल देना चाहते हैं, पीआरटी और टीजीटी, तो आप 1,800, और अगर पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों देना चाहते हैं तो 2,400। यही फीस हर बार रहती है। तो अब आप लोग देख करके अंदाजा लगा सकते हो कितनी भारी भरकम आप लोगों से फॉर्म भरने की फीस मांगी गई है, और मैं तो आप लोगों को नोट्स बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस में दे रही हूँ। ओके, अब बात करते हैं जो एससी है और पीएच है, हरियाणा के हैं वो, ठीक है, तो उनके लिए 500 रुपए है पीआरटी लेवल के, दोनों लेवल के लिए आपको 900 है, और अदर लेवल के लिए आपको, तीनों लेवल के लिए आपको 1,200 रुपए है। या आप हरियाणा से बाहर से बिलोंग करते हैं तो आपको इतने ही रुपए देने हैं, जनरल वाले ही, चाहे आप एससी हो, बीसी हो, कुछ भी हो, आपको इतने ही रुपए देने हैं। जो हरियाणा के एससी बीसी है, एससी और पीएच बीसी नहीं, उनके लिए ही इसमें छूट दी गई है। जो आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके कल स्टार्ट हो चुके हैं, मैंने आपको कल भी बता दिया था, और जो आपकी लास्ट डेट है वो 10 तारीख है लास्ट डेट। आप लोगों को 2 तारीख से और 8 तारीख के बीच में आपका फॉर्म है वो डाल देना है, क्योंकि हरियाणा वालों का फ्रेंड्स कुछ नहीं पता होता है कब इनकी साइट बैठने लग जाए, मैं तो सीधा बोलती हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं करनी है, अगर मिस्टेक हो भी जाती है तो आपको 11 और 12 तारीख को करेक्शन का टाइम मिलेगा, आप उसमें करेक्ट कर सकते हो। साथ में अब की बार एक और बात भी दी गई है कि नोटिफिकेशन में आपको ये भी बताया गया है, और ये आपका हेल्पलाइन डेस्क नंबर है, अगर आपको कोई और डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ओके, कि आपकी जो एग्जाम की डेट है वो 2 और 3 दिसंबर है, तो इस प्रकार से हमारे पास 1 मंथ ही बचा हुआ है, और 1 मंथ में हमारे फेस्टिवल भी है, तो हमें अपनी पढ़ाई को एक सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। पढ़ा हुआ आपने सब कुछ है, लेकिन बस उसको आपको एक ऑर्गेनाइज शेप देनी है, और आप लोग आराम से निकल जाओगे, ठीक है। अब इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो हमारे 90 होते हैं, शायद एससी और पीएच के लिए 82 होते हैं, बाकी सभी के लिए कितने हैं भाई, 90 है। आपको 150 में से 90 मार्क्स लाने होते हैं। जो आपका पेपर होता है वो ओएमआर बेस होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है, क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ओके, ये सब चीजें क्लियर है। साथ में जो आपका एग्जाम सेंटर आएगा वो आपका आपका होम टाउन ही आ जाएगा, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो आप चूज करेंगे वही आपका आ जाएगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप एग्जाम देना चाहते हैं। जो बाहर के हैं वो भी अपने साथ लगता, कोई भी मान लो राजस्थान से, यूपी से, उनके साथ जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है हरियाणा का होना चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट, उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है भाई क्या क्या चीज चाहिए आपको फॉर्म भरने में, तो ये सब चीजें तो नॉर्मल चीजें हैं, आप लोगों को पता होती है। मैं अब आपको लेके चलती हूँ जो कि हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उसके ऊपर लेके चलती हूँ कि भाई जो एलिजिबिलिटी है उसके अंदर क्या है। अब यहाँ पे देख लो, बताया गया है कि भाई जो प्राइमरी टीचर बनना है तो उसको आपको क्या रखना है, आगे बताती हूँ। जेबी आप इसमें पीआरटी टीजीटी और पीजीटी तीनों टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तीनों के लिए आपका एस्टेट है वो होता है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेती हूँ। अब देखिए, लेवल 1 के लिए, यानी जो आपका पीआरटी है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। सीनियर सेकेंडरी आपकी 12th होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स आप लोगों के होने चाहिए, तो आप लोग ये चीज भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि 50% मार्क्स हो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और आप अगर फाइनल ईयर में हैं तो भी आप लोग भर सकते हैं, आप जेबीटी कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसके अगर फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो भी लोग पूछते हैं तो ये बात देख लीजिए यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर दिया गया है, या फिर आपने बीएलएड कर रखी हो तो भी आप एलिजिबल हैं। ओके, ये सारी जो नोटिफिकेशन आपको डिटेल में अगर इनको देखना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, जो डीएड होता है वो भी एलिजिबल है, स्पेशल एजुकेशन वाला, ठीक है, आपको ये जो डिटेल में देखना है, तो या फिर आप ग्रेजुएट हैं और जेबीटी कर रखी है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। हिंदी और संस्कृत आपने सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में इनमें पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो आप लोग इनको भी देख लीजिएगा। कहाँ से देखेंगे, ये जो नोटिफिकेशन है मैं टेलीग्राम पर शेयर करने वाली हूँ, टेलीग्राम का जो लिंक है आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं भाई टीजीटी की। टीजीटी के अंदर रहता है थोड़ा सा कंफ्यूजन, तो आप देख लीजिए टीजीटी जो सोशल साइंस है उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है। जो एसएससी फॉर्म भर रहे हैं वो देख लीजिए, आप लोगों ने बैचलर डिग्री कर रखी हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, 50% मार्क्स आप लोगों के होने चाहिए बैचलर डिग्री में, ठीक है। सोशल साइंस है वो आपको इलेक्टिव और ऑनर्स कुछ भी हो चल जाएगा। बीटीसी जेबीटी डीएड कर रखा हो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कर रखी हो, तो आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। ओके,
जो आपने बीटीसी, जेबीटी, डीएलएड या फिर बीएड कुछ भी कर रखा है, उसके अंदर आपके पास क्या है भाई, एसएस वहां पे सब्जेक्ट है, बीएलएड कर रखी हो तो भी आप एलिजिबल हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका क्राइटेरिया बता रखा है, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको दिक्कत आती है ना, यहाँ पे देख लीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, अगर इनमें से आप में से कोई भी आपके पास दो सब्जेक्ट है तो आप लोग इसके लिए क्या हो भाई, एलिजिबल हो। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ कोर्स 2 साल आपने कम से कम पढ़े हुए होने चाहिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, ज्योग्राफी सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी, इनमें से कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आप लोग इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। मैट्रिक में आपके पास हिंदी या संस्कृत होना चाहिए, जो कि हरियाणा बोर्ड में होता ही है। उसके बाद बात करते हैं टीजीटी साइंस की, ऐसा ही टीजीटी साइंस में बता रखा है, आप लोगों ने बीएससी की हुई होनी चाहिए, आप लोगों के पास जो सब्जेक्ट या फिर आप लोगों ने 4 ईयर का कोर्स कर रखा हो, बीए बीएड या बीएलएड, तो तब भी आप क्या है, एलिजिबल है। आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी और मैथमेटिक्स, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से 3 सब्जेक्ट आप लोगों के पास होनी चाहिए तो आप किसमें है भाई, एलिजिबल है। इसमें ऑनर्स डिग्री का भी बता रखा है, तो आप लोग इन सब चीजों को ना डिटेल में पढ़ लीजिए, जो भी जिसके लिए भी एलिजिबल है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब मैं आप लोगों को हिंदी वाला भी डाल दूंगी, अगर किसी को इंग्लिश में दिक्कत आ रही हो तो आप लोग हिंदी में भी वहां से देख सकते हैं। उसके बाद इसी प्रकार से टीजीटी मैथमेटिक्स की बात की हुई है, ओके, और यही जो आपको पता है कि भाई यही चाहिए, ठीक है। और जो आप क्या करते हैं, पीजीटी करते हैं, तो पीजीटी में आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए, यही क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी है। आप इसके लिए क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे फॉर्म फिल करने के लिए। ये सब चीजें आप लोगों ने पहले भी देख चुकी होंगी, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर आप अपीयरिंग में हो तो भी आप फॉर्म डाल सकते हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस जिस भी सब्जेक्ट में कर रखा हो उससे आप लोग फिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया भैया आपका, जो मैंने आपको बताना था बता दिया। उसके बाद आपकी बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, जो एग्जाम पैटर्न है आपका पहले वाला ही, जो पहले होता था वही रखा गया है। 150 आप लोगों के 150 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, 150 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। उसके अंदर जो पहले होता था, जो जो सब्जेक्ट पहले थे वही है, ठीक है। सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 नंबर की आएगी, 30 ही क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज आपकी हिंदी और इंग्लिश 15 15 मार्क्स की आने वाली है, टोटल 30 मार्क्स हो गई। जनरल स्टडीज के अंदर आप लोगों की रीजनिंग आएगी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, मैथ्स होता है आपका, ओके, एंड हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस, अवेयरनेस भी दे रखी है भाई, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी 1 2 बन जाएंगे यहाँ से आपके। तो ये आपका 10 10 मार्क्स का रहने वाला है, जो आप पहले पढ़ रहे थे वही आपको पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है। प्रीवियस ईयर लगा रहे थे लगाओ, जो सिलेबस दिया है उसके हिसाब से चलना है तो चलो, अदरवाइज प्रीवियस ईयर ही लगा लो, इसमें हो जाएगा आपका, ओके। उसके बाद पीआरटी लेवल पर आप लोगों को मैथ और ईवीएस, पहले भी ऐसा ही होता था, 30 नंबर का मैथ आता था और 30 नंबर का ईवीएस आता था, लेकिन अब की बार थोड़ा सा जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि जो पेडागोजी के पेडागोजिकल जो कंसेप्ट होते हैं वो भी आप लोगों से सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे, मैथ्स में भी और ईवीएस में भी, ओके। जो थ्योरी आती थी वो तो आएगी ही, साथ में आप लोगों को एनसीईआरटी से जोड़ दिया गया है, यानी थोड़ा सा जो इसमें चेंजेस किया गया है सिलेबस में, वो एक तो सीटेट से कुछ कुछ कॉपी कर रखा है, एक कुछ कुछ कॉपी कर रखा है केवीएस से, तो उनको मैं आप डिटेल में बता दूंगी। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को लगभग 1 1 घंटे के अंतराल पर सारी वीडियोज मिल जाएंगी, जिसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि सीडीपी को आपको किस प्रकार से तैयारी करना है, फ्री में भी, और आपको अच्छे से गाइड करूंगी कहाँ से कौन सी क्या सोर्सेज हो सकते हैं। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश का भी मैं आपको कंप्लीट बताने वाली हूँ, जो आपको मेरा जो सब्जेक्ट है पीजीटी इंग्लिश, उसके बारे में मैं गाइड करने वाली हूँ, बाकी मैं सब्जेक्ट का देखती हूँ, ओके। तो आगे चलिए, इसके अंदर जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आराम से बता रखे हैं भाई कि जो जनरल है उसके लिए 60% मार्क्स चाहिए, जो अदर स्टेट के हैं उनको, चाहे वो एससी हो चाहे पीएच हो, उनको 60 चाहिए, लेकिन अगर हरियाणा के एससी और हमारे जो पीएच है, फिजिकली चैलेंज जो भी पर्सन है, उनको 82 मार्क्स चाहिए, 55% चाहिए, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
इसी प्रकार से आप लोगों का 60 नंबर का टीजीटी पीजीटी में आप लोगों का सब्जेक्ट रह जाएगा, जो जनरल सेक्शन है जो 90 मार्क्स का आता है वो पीआरटी टीजीटी और पीजीटी सभी के लिए क्या है भाई सेम है। आपको जो हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं वो जनरल सेक्शन पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों के मिल रहे हैं। उसके अंदर आपको बाकी सभी तो कंप्लीट थ्योरी भी मिलेगी और एमसीक्यू भी मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशन भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो रीजनिंग और मैथ्स है उनका मैंने ऐसे किया है कि मैं आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन दे रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास इतना ही टाइम है। अगर आप प्रीवियस ईयर को बना जाते हो, आपको पता लग जाता है, तो आप कर जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें और क्या बताया हुआ है। अब मैं आपको सीधा लेके चलती हूँ, जो आपका एग्जाम डेट है वो भी देख लो, अब की बार नोटिफिकेशन में ही आ गई है। बाकी जो टाइमिंग होगी वो आपके एडमिट कार्ड पे आएगी, लेकिन जो आपका 2 को और 3 को सैटरडे और संडे को, जो हमारा दिसंबर का फर्स्ट सैटरडे संडे होगा, उसी को आपका एग्जाम हो जाएगा। आपका एग्जाम ओएमआर बेस होगा, कागज पेन होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके, जो वैलिडिटी है वो आपकी 7 साल ही है, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाहता है तो कर सकता है, अदरवाइज ऐसी कोई जरूरत है नहीं। ओके, तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ जहां पे आपको सिलेबस गिवन है। ये आपको फॉर्म भरने के बारे में बता रखा है, भाई कैसे क्या क्या आपको फॉर्म भरना है। ओके, ये देखो आपका सिलेबस आ गया। तो सिलेबस के अंदर जो हमारी सीडीपी है उसके अंदर जो सिलेबस है भाई, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने पढ़ा है ना अभी। लर्निंग वाला जो चैप्टर पढ़ा है वो है, साथ में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैंने आपको पढ़ाया है वो है, हेरिडिटी से एनवायरमेंट से किस प्रकार से बच्चा अफेक्ट होता है, सोशलाइजेशन कैसे करता है, इसमें क्या किया गया है, पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस की। अब इसमें बहुत सारी हमने थ्योरी पढ़ी थी, लेकिन अब आपको ज्यादा नहीं पढ़नी है, आपको दे दिया गया है भी पियाजे पढ़ना है, कोलबर्ग पढ़ना है, वाइगोत्स्की पढ़ना है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव प्रगतिशील जो शिक्षा है वो पढ़नी है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, भाषा एंड विचार, जेंडर एज ए सोशल, यानी इसके अंदर जो सिलेबस है उसको क्या किया गया भाई, कुछ तो सीटेट से कॉपी कर लिया और कुछ क्या कर दिया, केवीएस से कॉपी कर दिया। तो इस प्रकार से सिलेबस को डिजाइन किया गया है। मैं एक एक सब्जेक्ट का आप लोगों के सामने बहुत विस्तार से बताने वाली हूँ और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ओके, साथ में जो हमारा क्या था भाई, जो हिंदी इंग्लिश थी जो लैंग्वेज ही जाती थी, तो लैंग्वेज में क्या कर दिया गया है, जो हम लैंग्वेज में क्या पढ़ते थे भाई, ग्रामर पढ़ते थे, क्योंकि एसटेट में ना ग्रामर भी क्या पूछता था, ट्रिकी पूछता था, ऐसे कोई इजी वाली ग्रामर नहीं पूछता था। लेकिन अब आपको क्या करना है कि ग्रामर जो आपने पढ़ ली उतनी पढ़ ली, अब आगे उसमें और मत पढ़ना। अब आपको क्या करना है कि जो आपके पेडागोजिकल जो इश्यूज हैं हिंदी और इंग्लिश में भी, जो पेडागोजी है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, सीटेट में जिस प्रकार से आती है, या फिर मैं आपको बोलूं रिट में जिस प्रकार से आती है, रिट का ज्यादा कॉपी किया है इन लोगों ने, रिट वाला, सीटेट से ज्यादा रिट वाला कॉपी किया गया है। तो वो आपको चीजें पढ़नी है, वो आपको मिल जाएंगी चैनल के ऊपर, आप लोगों को इसकी टेंशन नहीं लेनी है। ओके, जो आपका इवोल्यूशन वाला चैप्टर है, स्पीकिंग लिसनिंग जो हमारी स्किल्स होती है उनके बारे में पढ़ना है, टीचिंग मटेरियल क्या होते हैं, टेक्स्ट बुक, मल्टी मीडिया, मल्टी लिंगुअलिज्म, ये सब चीजें, रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, ये सब चीजें पढ़नी है आपको। ओके, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इवेल्युएशन, टीचिंग, ये सब चीजें आप लोगों को क्या पढ़नी है भाई, हिंदी और इंग्लिश में पढ़नी है। ओके, उसके बाद जो आपका हरियाणा का जो सिलेबस दे रखा है, हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, साहित्य, आपका भूगोल, राजनीति, जो भी एनवायरमेंट, कल्चर, यानी पूरी क्या पढ़नी है आपको, हरियाणा जी की पढ़नी है। साथ में आपको क्या पढ़नी है, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। अब हर एग्जाम में वेलफेयर स्कीम से क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो आप लोगों को कल्याणकारी योजनाएं भी पढ़नी है। जिन लोगों ने नोट्स ले रखे हैं उनको टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, मैं थोड़ी सी गलती मानती हूँ कि जो मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हरियाणा जी के आप लोगों को बताया था उसमें मैं अभी से कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको जो कंटेंट दे रही हूँ उसमें से 10 में से 9 नंबर की मैं आपसे गारंटी ले सकती हूँ, क्योंकि उसके अंदर मैं अभी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भी 2 या 3 दिन में ऐड कर दूंगी, तो उनको भी आपको पढ़ लेना है। 2 क्वेश्चन आपको कल्याणकारी योजनाओं से भी मिल जाएंगे। करंट अफेयर भी बिल्कुल मैं इसमें करने वाली हूँ। बाकी जो मैंने प्रीवियस ईयर के लिए तो आप लोगों को एक रामबाण औषधि दे ही रखी है, आप उसको कर लीजिए। 10.5 घंटे की जो प्रदीप सर की जो वीडियो थी जो प्रीवियस ईयर की, उसका मैंने सॉल्यूशन डाल रखा है, हैंड रिटन नोट डाल रखे हैं जो मैंने अपने खुद बनाए थे, बिल्कुल इस लैंग्वेज में बना रखे हैं कि आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो 10 में से जो 7 से 8 क्वेश्चन है वो आपको वहीं से रिपीट होने वाले हैं, आप लोग उसको एक बार करके और फिर प्रीवियस ईयर जो भी हुए हैं हरियाणा के वो बना करके देखिएगा। ओके, ये आपका रीजनिंग का अच्छा भारा खासा, मतलब जो सिलेबस जिसको बोल सकते हैं वो दे रखा है। तो ये आपको अभी बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग इसमें जो प्रीवियस ईयर कर रहे थे उसी को कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी इतना ही टाइम बचा हुआ है। इसी प्रकार से मैथ्स के अंदर भी बहुत बड़ा सिलेबस दे दिया, ठीक है।
तो अब इस प्रकार से सारा सिलेबस करेंगे तो अभी नहीं हो पाएगा, आप प्रीवियस ईयर निकाल लो। मैं गारंटी लेती हूँ प्रीवियस ईयर निकाल लेते हो तो 10 में से 8 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे मैथ्स में, और 10 में से 8 नहीं जाएंगे आपके, सॉरी 10 में से 9 या फिर 10 के 10 बना लोगे तुम रीजनिंग के। तो चीजों को ना हार्ड वर्क की बजाय आप लोग स्मार्ट वर्क से करो। ओके नेक्स्ट, वही उसके बाद हमारा जो भी सिलेबस है वो सब हम एक एक करके मैं आप लोगों को अलग अलग से वीडियो बना के देती हूँ, क्योंकि इस प्रकार से तो ये वीडियो है ये बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं थोड़ा सा आपको टीजीटी इंग्लिश के बारे में बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि टीजीटी इंग्लिश के मैंने आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड की है, तो आप लोग देखना जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं वो बिल्कुल आपका जो सिलेबस आया है उसी के अकॉर्डिंग है। मुझे कुछ इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, और बिल्कुल इतनी मिनिमम अमाउंट रखी गई है। अगर आप लोगों ने जिन्होंने लिए हैं, दो चार जो 5-7 कैंडिडेट है जिन्होंने इंग्लिश के स्पेशल नोट्स लिए हैं टीजीटी इंग्लिश के लिए, वो लोग कॉमेंट करके बताना कि भाई हाँ इतनी मिनिमम अमाउंट में आपको कहीं पे और कुछ मिल सकता है। और अब आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेनी है, जो ये टॉपिक एड हुए हैं ना पेडागोजी वाले, आप लोगों के कॉमेंट आ रखे हैं, मैसेज कर रहे हो आप, मैं करवाऊंगी आपको नोट्स में उसी फीस में प्रोवाइड करूंगी आपसे, कोई एक्स्ट्रा चार्ज मैं इसका नहीं लेने वाली हूँ। ग्रामर है ये सारी मैंने लगभग करवा रखे हैं, ये टॉपिक मैंने नोट्स में डाल रखे हैं जिन्होंने कॉमन सेक्शन की इंग्लिश ले रखी है, ठीक है। उसके बाद लिटरेचर की बात करें तो इसमें साफ कहा गया है बेसिक ऑफ लिटरेचर आएगा, बेसिक ऑफ लिटरेचर मैं आपको करवा चुकी हूँ, आपको मैंने नोट्स दे दिए हैं, और अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उनकी आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करवा पाऊँ, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा टाइम का वो है, अदरवाइज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको उनकी क्लासेस भी मैं दे पाऊँ ताकि आप उनको चीजों को अच्छे से समझ पाओ। उसके बाद 6 to 10th आप लोगों को क्या करनी है भाई, एनसीईआरटी करनी है जिस प्रकार से केवीएस ने बताया था, ठीक है। तो अब आप लोगों को चठी से एनसीईआरटी के लिए बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों ने देखा होगा नोट्स में, आप लोग एक बार देख करके कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैंने इतना डिटेल में आपको क्यों दिया है, तो मैंने आपको इसीलिए डिटेल में दिया था, तो बिल्कुल सही हो गया। आपको वो डिटेल में पढ़नी है, वहीं से आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। ओके, बाकी ये हिंदी का भी दे रखा है भाई, SS का भी है, सब सब्जेक्ट का अलग अलग से सिलेबस दिया गया है, तो आप लोग इसमें जाकर के टेलीग्राम बॉक्स पे इसको देख सकते हैं। ओके तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी सब्जेक्ट की आपको हर घंटे बाद वीडियोज मिलती रहेंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अब की बार एचटेट आपका पार जरूर हो जाएगा, और बिल्कुल कोई भी फीस भी नहीं लगने वाली है।